हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे कोई प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन का, जिसके अंदर हम प्रिंट करेंगे सारे प्राइम नंबर्स किसी इंटरवल के बीच में। ठीक है, सपोज अगर हमें 1 से लेकर 10 तक के बीच में प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं तो कितने, कौन कौन से हैं? 2 है 3 है 5 है 7 है, बस यही है। ठीक है, 2 3 5 7 और कोई है नहीं, यही सब है। तो इसी का हमें प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैंने ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स बिगनर के लिए बनाई हुई हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, ये है मेरी प्लेलिस्ट, तो जाइए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कंप्यूटर नर्ड्स, और मैं इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये है मेरी प्लेलिस्ट, आप एक्सेस कीजिए और पाइथन को सीखिए। ये प्लेलिस्ट आपको हेल्प करेगी पाइथन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और आपको मोर देन प्रॉब्लम्स को सीखने के लिए। ठीक है, चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2 वेरिएबल लेने होंगे, लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड के लोअर ले लेते हैं और इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेट सपोज 10। एंड एक लेनी होगी अपर बाउंड, मतलब लोअर रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है और अपर कहाँ पे एंड करना है, तो 100 लेते हैं। ठीक है, तो एक मैसेज दे देते हैं यूजर को, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इससे पहले मैंने वीडियो बताया कि कैसे चेक करते हैं कि कोई भी नंबर हमारा प्राइम है या नहीं, उसी सिमिलर उसी के हेल्प से हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो एक लूप चलानी होगी, फॉर नम इन रेंज, रेंज कहां से कहां तक होगी, लोअर से लेके अपर प्लस 1 तक। अपर प्लस 1 का मतलब क्यों, हमें अपर को भी चेक करना है। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे लोअर कॉमा अपर प्लस 1। अब प्लस 1 क्यों किया, अगर हम खाली अपर लिखते तो अपर से वो एक कम चलता, क्योंकि अब ये वाला जो ये होता है हमारा आर्ग्यूमेंट, ये एक्सक्लूसिव होता है, ये वाला इंक्लूसिव होता है लेकिन ये एक्सक्लूसिव होता है, इसलिए हमने अपर प्लस 1 रखा है। ठीक है, अब एक तो हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है, या मानते हैं, तो हम लिखेंगे अगर हमारा नम 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हमें पहले नम को 1 से बड़ा चेक करना होगा। ठीक, अब एक लूप चलानी होगी, फॉर आई इन रेंज 2 to num। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ये एक्सक्लूसिव होता है, तो कोई भी नंबर हमारा प्राइम कब होता है, या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो, तो वो हमारे प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको 2 से लेके उस नंबर के लेस तक डिवाइड करा के चेक करेंगे, अगर वो किसी से डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने लिखा ये, यहां पे हम लिखने वाले हैं फॉर विथ एल्स, फॉर लूप एल्स के साथ। ठीक है, तो मैं आपको पहले प्रोग्राम लिख लेता हूँ, फिर बताऊंगा आपको, समझाऊंगा। तो अब हम चेक करेंगे, इफ नम मॉड आई, अगर नम मॉड आई इक्वल है हमारा 0। ठीक है, अगर डिवाइड हो जाता है तो क्या करना है, हमको ब्रेक कर देना है, मतलब वो हमारा नहीं है। ठीक, अदरवाइज इफ, इस वाले इफ से बाहर आएंगे तो यहाँ पे else लिखा जाएगा, लेकिन हमें फॉर के बाद का else लिखना है, फॉर के बाद का else। बताऊंगा कैसे काम करता है, एक मिनट इसको लिख लेते हैं पहले, प्रिंट नाम। ठीक है, चलिए क्या करा हमने, सबसे पहले देख लेते हैं दोबारा, लोअर बाउंड ली अपर बाउंड थी,
उसके बाद हमने स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कराया, प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन लोअर एंड अपर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर नम इन रेंज लोअर कॉमा अपर प्लस वन, इसका क्या मतलब है, मतलब हमें लोअर रेंज और अपर रेंज के सारे नंबर को चेक करना है, तो हमने एक लूप चला दी। अब नंबर नेगेटिव नंबर को हमें चेक नहीं करना है और एक को चेक नहीं करना है, ठीक है। तो इफ नंबर इज ग्रेटर देन वन, अगर नंबर हमारा इससे बड़ा है तो हमें क्या करना है, एक लूप चलानी है फॉर आई इन रेंज टू कॉमा नम, उस तक उस नम को, जैसे मान लीजिए नम हमारा ये 10, पहले हमारा 10 है, तो हम 10 को 2 से लेकर 9 तक डिविजिबल करा के चेक करेंगे। अगर इफ नम मॉड आई इक्वल इक्वल 0, अगर वो किसी से भी डिविजिबल हो गया तो ट्रिक कर देंगे। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर लूप ही चल रहा है, ठीक है, और जब हमने इसमें लिखा स्टेटमेंट इफ और ये एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो हमारा एल्स पार्ट नहीं चलेगा, एल्स पार्ट नहीं चलेगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे मान लीजिए नंबर होता हमारा 11, ठीक है, 11 होता हमारा, नम हमारा 11 है। अब चेक किया इफ नम इज ग्रेटर देन 1, नम ग्रेटर देन 1 है, जी हाँ है, तो अंतर आइए चेक कीजिए फॉर आई इन रेंज 2 टू नम। तो अब क्या कीजिए कि 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक इसको डिविजिबल करा के चेक कीजिए, तो 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 किसी से डिविजिबल नहीं है, किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये सारा लूप खत्म करके अब एल्स पार्ट में जाएगा, उस नंबर को प्रिंट कर देगा। समझ में आया, नहीं आया तो जैसे चलिए मानते एक और एग्जांपल लेते हैं, 12 लेते हैं। अब क्या होगा, नंबर एक से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, अंदर आइए, आई इन रेंज 2 कॉमा नम, 2 से लेके 11 तक नंबर को डिवाइड करके चेक कराइए कि क्या उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 से हमने डिविजिबल किया तो रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 जैसे ही आया तो उसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करा मतलब इससे बाहर आ गया, मतलब एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, तो ऐसे काम करता है ये, ठीक। रन कराइए, तो ये इसने प्रिंट कर दिए सारे प्राइम नंबर्स बिटवीन रेंज 10 एंड 100, 11 13 17 19 23 29 31 37, These all are the prime numbers, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम कि कैसे हम प्रिंट करते हैं ऑल प्राइम नंबर्स इन एन इंटरवल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।